तो भाई अभी रात के 4 बज रहे हैं और हम सब लोग मेहंदी के फंक्शन के बाद जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? कमर्शियल मार्केट। और मैंने सुना है कि यहाँ मोबाइल नहीं निकालना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं जो हूँ रिकॉर्ड करूंगी। अच्छा था, मजाक था ये सब। यार मजाक हो रहा है। सॉरी भाई, सॉरी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है यहाँ पे, सिर्फ मजाक था। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, एक नया ब्लॉग। और अभी बाहर निकलते हैं, पता नहीं है कि क्या खुला है और क्या नहीं है, लेकिन देखते हैं कि कुछ मिल जाए हमें, क्योंकि हम लोग इतना बिजी थे मेहंदी फंक्शन में, हमने ठीक से खाया भी नहीं और अब भूख लग रही है सबको। तो सबका वेट कर रहे हैं, सब आएंगे, सब बच्चा पार्टी और सब कजन्स वगैरह। तो फिर चलते हैं। ठंड तो बहुत ज़्यादा है, आप सोच नहीं सकते। लेकिन फिर भी हमें तो जाना है। मैं बैठ दूँ यहाँ? पिछली बार आप लोगों का गिला था ना, गाने नहीं चले। इसमें भी इतने खास सिस्टम। आर्यन को पता नहीं, जैसे पिटाई लगा के आया मेरी ऊपर। नाना कहाँ बैठेगा ना? टाइट वाली यार। अभी सुबह के 4 बज गए और हमें कुछ भी नहीं मिल रहा था खाने के लिए। पूरी कमर्शियल मार्केट है ना, क्या बोलते हैं? हाँ, वो पूरा देख लिया कि यहाँ पे कुछ भी नहीं था। तो अभी हमें फाइनली ये मिला है एक स्पॉट, इसका नाम क्या है? असली मामू बर्गर। तो आज हम ये ट्राई करेंगे, असली मामू बर्गर, और कैसा है हम बताएंगे। और सबसे अच्छी बात, ये 4 बजे तक खुला हुआ होता है, जो आना चाहता है वो आ सकते हैं। हाँ, रावलपिंडी चांदनी चौक। आ रहा आप लोगों को? बहुत ज्यादा नजर कोई भी नहीं आ रहा वीडियो में, सब बंद है। माजर करते हैं हम आपसे। बस ये अगर ये मामू क्या नाम है, मामू बर्गर भी नहीं मिले ना, तो बस दिल टूट जाएगा हमारा। मिल जाएगा, लेकिन ये मुझे तो पसंद नहीं है पर्सनली। वही ना, नहीं पसंद। देखो अगर उन्होंने ब्लॉग देख लिया तो दिल टूट जाएगा। बहुत अच्छे ये लोग, आपस में लड़ते रहते, एक कहता मैं असली हूँ, एक कहता मैं असली। वो मामू है तो हम तो खा के बताएंगे कैसा है। वो कॉर्नर वाला भी मामू ही है ना, हर किसी को मामू बना रहे हैं। माजद के साथ चलो कुछ तो मिले, कुछ तो मिले। हाँ शाबाश बेटा। लेकिन यही खुले में, सिर्फ मैंने बता दिया यहाँ का एड्रेस ना, चांदनी चौक रावलपिंडी। पाकिस्तान में कोई भी असली मामू नहीं है, क्योंकि उसका टेस्ट शायद अच्छा, उसका टेस्ट हमारे साथ है। हम सच बोलते हैं, हम सच बोलते हैं, हम सच बोलते हैं। हाँ चाय पराठा, चाय पराठा कर लेते हैं, वैसे भी 4 तो बज ही गए। अली खान भी मना करवा दे, वो चली गई पीछे। मुझे लग रहा है वो करवा रहे हैं डन। इफ्रा को छोड़ के चले जाओ चांदनी चौक, चलो आराम से। साथ क्या कहते हैं? हाँ हम तो यही कहते हैं, सामने वो खाली बैठ, कुछ नहीं मिला। हाँ हमें भी बताओ क्या हुआ है। लगवा दिया दिखाने पर। कितने पता नहीं, साथ भी चले गए लोग। साथ हुआ के जाना, प्लान हो रहा था पराठा और चाय का, लेकिन साथ बर्गर लग चुके हैं यहाँ पे। साथ उसको फोन किया, बोल पहले 2 लगा, अगर सही लगे तो फिर और ले लेंगे। फाइनली हमें मिल गया है जिंगर, और क्या है ये अली खान? अंडे वाला बर्गर। सुबह के 4:30 बजे, सुबह के बड़ी मुश्किलों से। चलो कुछ तो मिला ना, अब हम देखेंगे ट्राई करके। आप क्या करना है इधर के साथ का बात? अभी प्रॉपर रिव्यू दे रही है उसके ऊपर, अगर ये अच्छा होगा ना फिर हम और लेंगे। कैसा है ये? अगर हम बच गए तो फिर हम और लेंगे, और अगर गलत बताए ना। हमने खाया, बहुत मजे का था, लेकिन फिर आगे हमने सोचा कि अब तो सुबह होने ही वाली है, तो क्यों ना थोड़ा सा नाश्ता भी हो जाए। तो अभी हम यहाँ पर आए हैं, ये कोल्टा अहमद खान कैफे है, और अभी ये लोग जो हैं हमारे लिए लाइट्स खोल रहे हैं, और हम सब फिर ऊपर जाएंगे। कुछ नज़र नहीं आ रहा मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा क्यों ना रिकॉर्ड कर लिया जाए। हाँ
यहाँ हमारा ऑर्डर आ गया ले लेंगे और आ जाएगा। अरे अभी तक आ रहे और सर्दी में गरम गरम चाय मजा आ गया। जाओ भाई गेट खोल दो कोई। चाय पराठा खाऊंगी। पिक्चर में क्या बनाऊं मैं ये दिखा देती हूँ ना, हमने सब खा लिया है ये और फजर की अजान हो गई है। अब फजर की अजान हो गई है और अब हम घर जा रहे हैं, नमाज पढ़ेंगे। सारा जी सारा ले लिया, कल से कौन याद दुलाएगा? मोबाइल घुमा देते हैं कहाँ से पूछो। दुल्हन ने मैकअप भी होता जी मैं घर पर आप करनी है मेरे को। पैदल चलते हैं घर, पराठे खाए हैवी हो गए। पैदल चलते हैं आप और पप्पू आ गए, पप्पू मामू पैदल हम जा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को मेरे व्लॉग्स अब तक अच्छे लग रहे होंगे, तो इसी तरह सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बाय।